नमस्ते दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिल वाइज अकाउंटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम कोई कंपनी का अकाउंटिंग मैनेज करते हैं तो यहाँ पे हमें बिल वाइज अकाउंटिंग करना बहुत ही जरूरी है। जब हम बिल वाइज अकाउंटिंग करते हैं तो सही सही हमें जो रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करने हैं वो सही सही मिलते हैं। तो हम आज के क्लास में पूरी डिटेल में देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम बिल वाइज अकाउंटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक टैली प्राइम सीखना है तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पीएफ रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न या फिर ईएसआईसी रिटर्न, जो ये रिटर्न के रिलेटेड आपको कोई अपडेट चाहिए तो हमारी एक दूसरी चैनल है, वहां पे हमने पूरे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, वो है अकाउंटिंग सॉल्यूशंस फॉर यू। वो हमारे चैनल में जाके जरूर से विजिट कीजिए, बहुत सारी अपडेट्स आपको वहां पे मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। मैं हूं दिया पटेल एंड आप देख रहे हैं अकाउंट्स एडवाइस। दोस्तों, बिल वाइज अकाउंटिंग के लिए हमें कुछ सेटिंग्स ऑन करने पड़ेंगे या फिर हमें देखना पड़ेगा कि हमारे सेटिंग सही है या नहीं है। तो गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहते हुए यहां पे हमें करना है F11 प्रेस और यहां पे हमें देखना है अकाउंटिंग के अंदर अनेबल बिल वाइज एंट्री। यहां पे टैली ने इनबिल्ट यस ही दिया हुआ है, हमें यहां पे कुछ नहीं करना है, जस्ट चेक कर लीजिए। इसके बाद में हम करते हैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। इसके बाद में हम करते हैं परचेज की एंट्री। तो गेटवे ऑफ टैली में ही हम लोग खड़े रहते हुए वाउचर्स में चले जाते हैं और यहाँ पे हमें एक एंट्री करनी है, माने कि हमें एक परचेज का इनवॉइस मिला है और हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। तो परचेज का इनवॉइस है जिसका नंबर है 001, यहाँ पे हम एंटर करेंगे। जो डेट है वो है 18 दिसंबर, तो F2 प्रेस करके हम 18 दिसंबर कर लेंगे। इसके बाद में हमें एंटर करना है, एंटर करना है और डेट सेम ही रहेगी 18 दिसंबर। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है पार्टी का नेम, जो हमारा है क्रेडिटर राम एंड कंपनी, जिसे हमें इनवॉइस मिला है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, राम एंड कंपनी जो है हमने लेजर क्रिएट किया है तो वो लेजर को हम एक बार चेक कर लेते हैं और उसमें जो कौन सा सेटिंग्स होते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे ही खड़े रहते हुए पार्टी अकाउंट नेम के यहाँ पे ही खड़े रहते हुए हम यहाँ पे करेंगे कंट्रोल एंटर। और यहाँ पे दोस्तों आपको देखना है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यहाँ पे देखिए यस ही होना चाहिए, तो अगर नहीं है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। इसके बाद में हम करेंगे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट और यहाँ पे हम कंट्रोल ए कर देंगे पार्टी डिटेल्स में एंटर एंटर करते हुए या फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद में परचेस लेजर हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, परचेस अकाउंट हम सिलेक्ट करेंगे, नेम ऑफ आइटम ले लेते हैं, जैसे कि हमें मिला है आईफोन, आईफोन 11 प्रो मैक्स मिले हैं, क्वांटिटी हम सिलेक्ट कर लेते हैं 12, रेट जो है वो 50,000 है। इसके बाद में हम यहाँ पे एंटर एंटर करते हुए ये एंट्री को सेव करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे दोस्तों, तो सेव करने से पहले हमें ये ऑप्शन आएगा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, माने कि ये जो परचेस हमने किया हुआ है वो किस तरीके का एडजस्टमेंट है, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस या फिर ऑन अकाउंट। तो ये वन बाय वन सभी हम आज के क्लास में देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट सिलेक्ट करना है। जब दोस्तों हम माल खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो हमें यहाँ पे न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करना होता है। टैली ने इनबिल्ट ही न्यू रेफरेंस दिया है। जब भी आप परचेस इनवॉइस का एंट्री करोगे या फिर सेल इनवॉइस का एंट्री करोगे या जनरेट करोगे इनवॉइस, तभी इनबिल्ट न्यू रेफरेंस आएगा, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे करेंगे न्यू रेफरेंस और यहाँ पे एंटर एंटर करते हुए हम ये एंट्री को करते हैं सेव। वैसे ही दोस्तों मुझे एक दूसरा इनवॉइस मिला है जो है 002 और डेट जो है वो 20 दिसंबर है, तो F2 प्रेस करके हमने 20 दिसंबर कर लिया। पार्टी नेम यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है राम एंड कंपनी। इसके बाद में हम परचेस अकाउंट नेम, हम नेम ऑफ आइटम में हम डालेंगे आईफोन 6s, यहाँ पे हम क्वांटिटी डालेंगे 2, रेट जो भी आपका होगा वो आप डाल दीजिए। और इसके बाद में हम यहाँ पे एंटर एंटर करते हुए यहाँ पे फिर से बिल वाइज डिटेल्स में हम करेंगे न्यू रेफरेंस, तो डायरेक्टली यहाँ पे 002 नंबर का ले लेगा इनवॉइस नंबर। इसके कहाँ पे इफेक्ट आएगी आउटस्टैंडिंग बैलेंस में, हम वो हमारे आने वाले वीडियोस में भी देखेंगे दोस्तों। तो सही सही डेट और इनवॉइस नंबर आपको देना है। इसके बाद में नरेशन डाल के ये एंट्री को करते हैं सेव या फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। दोस्तों परचेस वाउचर और सेल्स वाउचर में हम न्यू रेफरेंस का यूज करते हैं, तो अभी हम ले लेते हैं सेल्स वाउचर। यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे, सेल्स वाउचर में हम एक एंट्री करते हैं, जैसे कि हम हमारा जो माल है वो बेच रहे हैं,
तो हम यहाँ पे कैसे एंट्री करेंगे? यहाँ पे हम सेल्स की एंट्री करते हैं और यहाँ पे हमारा जो इनवॉइस नंबर है वो 123 है, एंटर करते हैं, डेट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा डेटर्स है वो है दिशा एंड कंपनी, तो यहाँ पे हमारा दिशा एंड कंपनी का कोई भी लेजर बना नहीं है, तो हम यहाँ पे ही खड़े रहते हुए अल्ट सी करेंगे और दिशा एंड कंपनी बना लेंगे, एंटर एंटर करेंगे और ये दिशा एंड कंपनी जो है सन्ड्री डेटर्स है हमारा, हम उनको माल बेच रहे हैं। इसके बाद में मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल हमें यहाँ पे यस करना है। अगर दोस्तों दिशा एंड कंपनी को आपको बिल बाय बिल मैनेज करना है तो आपको यहाँ पे यस करना है, इसके बाद में कुछ भी नहीं। हम यहाँ पे एंटर एंटर करते हुए जो लेजर है उसको करते हैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। इसके बाद में पार्टी डिटेल्स में आपको कुछ नहीं देना है। यहाँ पे हम एंटर एंटर करते हुए अगर जीएसटी एप्लीकेबल है दोस्तों तो आपको जीएसटी स्टेट सही सही डालना है, हम अभी के लिए कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद में सेल्स अकाउंट हमने ऑलरेडी बनाया हुए है तो सेल्स जीएसटी हम ले लेते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम ले लेते हैं, कंप्यूटर पार्ट्स हमने बेचे हैं, क्वांटिटी है वो 25, रेट जो है वो 253 है, टोटल अमाउंट ले लेगा। एंटर एंटर करते हुए जब हम यहाँ पे टोटल अमाउंट के यहाँ पे जाएंगे 6325, तो यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे तो फिर से हमें पूछेगा न्यू रेफरेंस, एंटर करेंगे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद हम ये एंट्री को करते हैं सेव। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देख लिया कि हम किस तरीके से मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में से न्यू रेफरेंस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी दोस्तों हमारा जो अगला मेथड ऑफ एडजस्टमेंट है वो है अगेंस्ट रेफरेंस। जब हमें पार्टी से पैसे मिलते हैं माने कि पेमेंट आता है, या फिर हमें किसी को पेमेंट करना होता है माने कि हमारे पार्टी को पेमेंट करना होता है, तब हमें अगेंस्ट रेफरेंस को सिलेक्ट करना होता है। और जैसे ही हम पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते हैं तो इनबिल्ट ही हमें वो जो अगेंस्ट रेफरेंस है वो सिलेक्टेड मिलता है। दोस्तों अभी हम एक एंट्री करेंगे, हमने रामन कंपनी से मटेरियल खरीदा था, माने कि रामन कंपनी जो है वो हमारा क्रेडिटर है और उसको हमें पेमेंट करना है 50,000 रुपीज, तो उसका एंट्री क्या होगा, रामन कंपनी डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने 50,000 कैश दिए है तो हम यहाँ पे करेंगे पेमेंट के वाउचर पे, तो हम F5 प्रेस करेंगे और पेमेंट के वाउचर में चले जाएंगे। हम आ गए हैं पेमेंट के वाउचर में, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे डेबिट राम अकाउंट, यहाँ पे राम को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे हम करेंगे 50,000, बट यहाँ पे आपको डेट चेंज करनी है कौन सी डेट को पेमेंट कर रहे हो, तो हम कर रहे हैं 20 दिसंबर, तो F2 प्रेस करके हम यहाँ पे करेंगे डेट चेंज, यहाँ पे हम करेंगे 50,000 रुपीज, एंटर करेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में अगेंस्ट रेफरेंस, तो यहाँ पे हमें अगेंस्ट रेफरेंस ही रहने देना है, एंटर करना है और यहाँ पे देना है कौन से बिल के अगेंस्ट में आप 50,000 रुपीज दे रहे हो। तो हम यहाँ पे करेंगे 002 नंबर का जो हमारा एक इनवॉइस है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने पहले एंट्री की है उसके अगेंस्ट में हम 50,000 दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे एंटर एंटर। इसके बाद में हम कैश सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे, यहाँ पे पार्टी डिटेल्स में कुछ नहीं, कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पे हम नरेशन डाल के ये एंट्री को हम सेव कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे एक दूसरी एंट्री करते हैं, दिशा एंड कंपनी को हमने जो माल बेचा था माने कि हमारा डेटर्स है उससे हमें पैसे आए हैं, तो पैसे आए हैं तो हम किस तरीके से एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट होगा दिशा एंड कंपनी अकाउंट, तो इसके लिए हमें रिसिप्ट वाउचर में जाना है। अगर दोस्तों आपको पता नहीं है कि हमें कौन से एंट्री कौन से वाउचर में करनी है, तो उसके लिए हमने जो वीडियो बनाया है वो आप जरूर से देख लीजिए, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वो वीडियो आप जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। हमने उसमें पूरी डिटेल्स में समझाया है कि कॉन्ट्रा पेमेंट जर्नल सेल परचेस ये सब जो वाउचर्स है उसमें हमने समझाया हुआ है कि किस तरीके के ट्रांजेक्शन की एंट्री आपको ये सब वाउचर्स में करनी है, आपको ये पता होना चाहिए तब भी आप ये सब एंट्री इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे हम रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो क्रेडिट फर्स्ट है दोस्तों, तो आपको क्रेडिट क्या है दिशा एंड कंपनी, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है दिशा एंड कंपनी। हमें मिले है 2,000 रुपीज और 20 दिसंबर को ही है, तो हमने 2,000 कर लिए। अगेंस्ट रेफरेंस आएगा दोस्तों तो आपको सेम ही रखना है, एंटर करना है और यहाँ से आपको बिल वाइज डिटेल में पेंडिंग बिल्स जो होंगे वो लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, तो 123 इनवॉइस नंबर है और उसके अगेंस्ट में हमें 2,000 मिले हैं। उसके बाद में डेबिट होगा कैश, तो हमें कैश मिले है तो हम लोग करेंगे यहाँ पे पार्टी डिटेल्स में कंट्रोल ए से एक्सेप्ट और यहाँ पे हम नरेशन डाल देंगे और ये एंट्री को सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है अगेंस्ट रेफरेंस की।
तो दोस्तों अगेंस्ट रेफरेंस हमें रिसिप्ट में और पेमेंट में यूज करना होता है, और साथ साथ में दोस्तों हमें परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न में यूज करना होता है। जैसे कि हमने जो राम एंड कंपनी से मटेरियल परचेस किया था वो हम उनको रिटर्न कर रहे हैं, तो हम उसकी एंट्री करेंगे F7 माने की जर्नल में। यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल देंगे जैसे कि 001 है। इसके बाद में डेट सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे हम राम एंड कंपनी डालेंगे, डेबिट राम एंड कंपनी। यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे जैसे है 50,000 रुपीज। हम एंटर करेंगे, यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस पूछेगा दोस्तों, हम यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पूछेगा कौन से बिल के अगेंस्ट में आप ये आपका जो मटेरियल है वो रिटर्न कर रहे हो, तो हम यहाँ पे करेंगे 001। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया, एंटर एंटर करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे परचेस रिटर्न, यहाँ पे हमने एंटर कर दिया। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पूछेगा, तो हमारा जो आइटम था वो आईफोन 11 था, तो हम यहाँ पे आईफोन 11 करते हैं। क्वांटिटी डालते हैं एक है, रेट जो है वो ऑटोमेटिक ले लेगा दोस्तों 50,000। एंटर एंटर करते हुए फिर इसके बाद में हमें ये एंट्री को सेव करना है। इस तरीके से मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में जो अगेंस्ट रेफरेंस है वो तीन जगह पे यूज होता है, पेमेंट रिसिप्ट, परचेस रिटर्न या फिर सेल रिटर्न। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो दोस्तों। अभी हमारा नेक्स्ट जो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट है वो है एडवांस। दोस्तों जब हमें किसी से एडवांस पैसे मिलते हैं या फिर हमें किसी को एडवांस पैसे देने होते हैं, तब हम एडवांस का यूज करते हैं मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में से। तो यहाँ पे हम एक एंट्री करते हैं, हमें एडवांस पेमेंट मिला है जीमार्ट करके, हमारा जो डेटर्स है उससे 50,000 रुपीज, तो हम उसकी एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट माने की जीमार्ट अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हम एक एंट्री करेंगे, हम रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सीआर माने की जीमार्ट 50,000 रुपीज, एंटर। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि मेथड ऑफ एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक नहीं लेगा, जैसे अगेंस्ट रेफरेंस और न्यू रेफरेंस ऑटोमेटिक लेता था, यहाँ पे आपको खुद को सिलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे एडवांस सिलेक्ट करेंगे, हमें एडवांस में पैसे मिले हैं, हम यहाँ पे एंटर एंटर करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कैश सिलेक्ट, इसके बाद में हम करेंगे एंटर, पार्टी डिटेल्स कुछ नहीं रहेगी और ये एंट्री को हम करते हैं सेव, माने कि हमें जीमार्ट से एडवांस में पैसे 50,000 रुपीज मिले हैं। अभी दोस्तों मानो कि हमें जीमार्ट से पैसे मिले हैं 50,000 रुपीज, उसका हमें उनको मटेरियल देना है, माने कि हमें सेल्स इनवॉइस जनरेट करना है। तो हम यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम एक इनवॉइस नंबर ले लेते हैं 001, यहाँ पे हम एंटर करते हैं, रेफरेंस नंबर कुछ नहीं रहेगा, डेट वगैरह आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे हम जीमार्ट को ले लेंगे, एंटर करेंगे, पार्टी डिटेल कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग सेल्स जीएसटी करेंगे, हमारा जीएसटी वाला इनवॉइस है। इसके बाद में हम नेम ऑफ आइटम में ले लेंगे, हम उनको आईफोन दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे आईफोन 11 कर देंगे, क्वांटिटी 2 हम रख देंगे। इसके बाद में रेट जो है वो हम हमारे हिसाब से दे देंगे, टोटल अमाउंट यहाँ पे हम लोग कर देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे CGST, SGST, हमारा लोकल सेल है दोस्तों। इसके बाद में हम एंटर एंटर करेंगे, हम यहाँ पे प्रोवाइड GST ईवे बिल में यहाँ पे नो करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आएगा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, यहाँ पे ऑटोमेटिक न्यू रेफरेंस आएगा दोस्तों, हमें जो एडवांस मिला था उसके अगेंस्ट में हम उनको इनवॉइस प्रोवाइड कर रहे हैं, इनवॉइस दे रहे हैं, तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस आएगा, हमारा नया बिल है तो हम यहाँ पे न्यू रेफरेंस ही रहने देंगे। इसके बाद में हम एंटर करेंगे और यहाँ पे दोस्तों जो हमें एडवांस मिला था 50,000 रुपीज और यहाँ पे टोटल उनका इनवॉइस 1,18,000 रुपीज हो रहे हैं, तो टैली जो है वो पूरा रिपोर्ट खुद से ही बना लेगा। हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स वगैरह बना सकते हैं, अभी के लिए हम ये एंट्री को करते हैं एक्सेप्ट। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हमें मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में से एडवांस सिलेक्ट करना है और इस तरीके से उसका एडवांस का यूज करना है। अभी हमारा नेक्स्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट है वो है ऑन अकाउंट। दोस्तों ऑन अकाउंट जो है वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही हमें यूज करना होता है, जैसे कि कोई पार्टी से हमें पेमेंट मिला था और बाद में हमें पता चला कि वो जो चेक था वो डिसऑनर हो गया है, इसके बाद में हमें कोई पार्टी के लेजर के ऊपर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना हो, तब हम लोगों को ऑन अकाउंट यूज करना होता है। किसी पार्टी के बिहाफ पर हम पेमेंट कर रहे हैं तब हमें ऑन अकाउंट यूज करना होता है। यहाँ पे हम एक एंट्री करते हैं, अभी दोस्तों मान लो हमारा जीमार्ट जो है वो डेटर्स है और उससे हमें 50,000 रुपए मिले हैं, तो हम उसकी एंट्री कर लेंगे F6 में, यहाँ पे हम जीमार्ट को कर लेंगे क्रेडिट 50,000 रुपीज कर लेंगे। दोस्तों हम उनसे मांग रहे हैं 1,90,160 बट हमें 50 मिले हैं, हम यहाँ पे 50,000 रुपीज डाल देंगे। यहाँ पे हम अगेंस्ट रेफरेंस में डालेंगे कि कौन से बिल के अगेंस्ट में हमें ये पैसे मिले हैं, तो यहाँ पे हम 001 सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद में एंटर एंटर करेंगे और यहाँ पे हमें बैंक से पैसे मिले हैं, तो यहाँ पे हम बैंक सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमने बैंक का कोई लेजर बनाया नहीं है,
हम यहाँ पे अल्ट सी करके बैंक का लेजर बना लेते हैं, एंटर करेंगे, अंडर में हम रखेंगे बैंक अकाउंट और इसको हम कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। इसके बाद में हम 50,000 रुपीज डाल देंगे। जो हमें बैंक से पैसे मिले हैं, माने कि एनईएफटी से मिले हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये एंट्री को हम करते हैं एक्सेप्ट, माने कि हमें जीमार्ट से 50,000 रुपीज मिल गए हैं। इसके बाद में दोस्तों 2 दिन के बाद हमें पता चलता है, जब हमें बैंक से रिपोर्ट आता है कि जीमार्ट से जो हमें 50,000 रुपीज मिले थे वो डिसऑनर हो गए हैं, तो उसकी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे F5 में पेमेंट वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे जीमार्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हम करेंगे जीमार्ट को सिलेक्ट, यहाँ पे हम करेंगे 50,000 रुपीज। यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में आपको यहाँ पे ऑन अकाउंट सिलेक्ट करना होता है। दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ पे जो ऑन अकाउंट है वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड नहीं होता, आपको खुद को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमने ऑन अकाउंट सिलेक्ट कर दिया और एंटर एंटर करते हुए हम यहाँ पे बैंक कर लेते हैं और ये एंट्री को करते हैं एसेट। तो इस तरीके से आपको ऑन अकाउंट का यूज करना है। और जो हमने ये एंट्री की है ऑन अकाउंट की, वो किस तरीके से रिपोर्ट में दिखती है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस में कैसे दिखती है, वो हम हमारे आने वाले अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आपको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट यूज करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट यूज करना दोस्तों। अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और टेलीप्राइम सीखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारे नए क्लास में कुछ नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।